हाय, इन्वेस्टर्स जनरली ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जिन्होंने रिसेंटली डिविडेंड्स अनाउंस किए हों, ताकि वो एक फिक्स्ड इनकम अर्न कर सकें। रिसेंटली कुछ कंपनीज ने डिविडेंड्स अनाउंस किए हैं, इसलिए आज हम आपको 5 ऐसी कंपनीज के बारे में बताएंगे जिनकी एक्स डिविडेंड डेट नज़दीक है। एक्स डिविडेंड डेट वो डेट होती है जिसके एक दिन पहले तक अगर आप उस कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं, तभी आप उस कंपनी के डिविडेंड्स लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। किसी भी कंपनी के डिविडेंड के बारे में पता लगाने का सबसे क्रिटिकल मेट्रिक डिविडेंड यील्ड होता है। डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट किया जाता है डिविडेंड पर शेयर को उसकी करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करके। ये एक बेटर मेट्रिक है ये जानने के लिए कि कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है। हमने इस लिस्ट में सिर्फ उन्हीं कंपनीज को कंसिडर किया है जिनका डिविडेंड यील्ड 1% से ज्यादा है। डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करने के लिए 17 सितंबर 2021 यानी कि फ्राइडे को मार्केट क्लोज होने पर जो प्राइस थे, हमने उसी को कंसिडर किया है। इसके अलावा हमने उन्हीं स्टॉक्स को चुना है जिनका मार्केट कैप 2000 करोड़ से ज्यादा है। इस लिस्ट को हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिविडेंड यील्ड में कवर करेंगे, यानी कि जिस कंपनी का डिविडेंड यील्ड सबसे ज्यादा है उसको हम एंड में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिविडेंड अलर्ट। पहली कंपनी है नवरत्न कंपनी नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जो कि एल्युमिना और एल्युमिनियम की मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग में इन्वॉल्व्ड है। इस कंपनी ने 1 रुपए पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 23 सितंबर है, यानी कि अगर आप 22 सितंबर या उससे पहले इसके शेयर्स खरीद लेते हैं तो डिविडेंड लेने के लिए आप एलिजिबल होंगे। इस डिविडेंड का डिविडेंड यील्ड 1.06% तक है। कंपनी का पीई रेशियो 10.86 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, यानी कि कंपनी डेट फ्री है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 12.58% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 14.51% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 5.61% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 179.83% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 16.72% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। दूसरी कंपनी है NBCC इंडिया लिमिटेड। कंपनी के मेनली 3 सेगमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, रियल एस्टेट और इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। इस कंपनी ने 0.47 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जिससे डिविडेंड यील्ड 1.07% तक बनता है। इस डिविडेंड की एक्स डिविडेंड डेट 22 सितंबर है। कंपनी का पीई रेशियो 32 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, यानी कि कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 14.27% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 3.43% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 3.24% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 72.45% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने -11.62% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है, यानी कि कंपनी का शेयर प्राइस नीचे गया है। तीसरी कंपनी है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के बिजनेस में एंगेज्ड SJVN लिमिटेड। इस कंपनी ने 0.4 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जिससे कि इसका डिविडेंड यील्ड 1.47% तक बनता है। इस डिविडेंड की एक्स डिविडेंड डेट 21 सितंबर है। कंपनी का पीई रेशियो 5.8 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.17 का है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 13.17% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 65.82% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स -0.07% के रेट से कम हुई हैं। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 15.51% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी का स्टॉक प्राइस -0.32% के रेट से नीचे गया है। चौथे नंबर पे है ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वोल्टैम ट्रांसफार्मर्स लिमिटेड। इस कंपनी ने 25 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जिससे कि इसका डिविडेंड यील्ड 1.76% तक बनता है। इस डिविडेंड की एक्स डिविडेंड डेट 22 सितंबर है। कंपनी का पीई रेशियो 13.23 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, यानी कि कंपनी पे कोई डेट नहीं है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 11.57% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 13.22% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 4.21% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 42.15% बढ़ा है। पिछले 5 साल में कंपनी ने 11.68% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। पांचवी कंपनी है पब्लिक सेक्टर फॉसिल फ्यूल माइनिंग और पावर जनरेशन कंपनी NLC इंडिया लिमिटेड।
इस कंपनी ने 1.5 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जिससे कि इसका डिविडेंड यील्ड 2.68% तक बनता है। इस डिविडेंड की एक्स डिविडेंड डेट 21 सितंबर है। कंपनी का पीई रेशियो 6.12 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 1.93 है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 7.96% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 11.09% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 4.88% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 8.53% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी का शेयर प्राइस -4.87% के रेट से नीचे गिरा है। तो ये थी वो 5 कंपनीज जिनकी एक्स डिविडेंड डेट पास आने वाली है और जिनका डिविडेंड यील्ड 1% से ज्यादा है। जैसे जैसे और भी कंपनीज डिविडेंड अनाउंस करेंगी, हम आपके लिए फिर से एक डिविडेंड अलर्ट लेके आएंगे। ऐसे ढेर सारे डिविडेंड अलर्ट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे इम्पॉर्टेंट अपडेट्स फ्यूचर में मिस ना करें। बाय बाय। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई बाइंग एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.